हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, जो कि एकदम मेरे स्टाइल में है। और ये ढाबे में और होटल में जो मिलने वाली मटर पनीर की सब्ज़ी है, बिल्कुल उसी तरीके का इसका टेस्ट आता है। आप होटल और ढाबे जैसी मटर पनीर की सब्ज़ी अपने घर पर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है मटर, जो कि हाफ के जी है। इसे मैंने जिसे वॉश कर लिया था। ये कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे बड़ी काली इलायची, छोटी हरी ग्रीन इलायची, जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह। ये है बिग साइज़ की। मैंने चार अनियन ले ली थी, चार बिग साइज़ के टमाटो हैं, और साथ में जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पे। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मचें डालूँगी रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी जीरा। जीरे को हम अच्छे से क्रैकर होने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें जो भी खड़े मसाले जितनी क्वांटिटी में मैं डालूँगी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 लौंग और 4-5 काली मिर्च, और ये है चक्रफूल जिसे स्टारिनिस भी कहते हैं, 2 छोटे पीस ले ली, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची और 2 हरी छोटी इलायची। इनको मैंने अच्छे से कोट के इसमें डाल दिया है। अब ले लेते हैं जो हमने बारीक कटी हुई यहाँ पर अनियन ले ली थी। अनियन को फ्राई होने देंगे। तब तक हम टमाटर, लहसुन और अदरक को अच्छे से पीस लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। प्याज अब अच्छे से एक बार फ्राई कर लेना। प्याज जैसे फ्राई हो जाएगी तो ही इसकी ग्रेवी अच्छी बन पाएगी, वरना अगर प्याज कच्चा रह जाएगा तो आप कितना भी प्याज को पका लेंगे ना तो प्याज बिल्कुल भी नहीं गलेगा। तो यहाँ पर हमारे स्टेज पे हमारा प्याज बिल्कुल डन हो चुका है। इसके बाद हम जो हमारी हरी मटर है, ये फ्रेश मटर है, तो इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कच्ची रह जाती है। अगर आप फ्रोज़न मटर ले रहे हैं तो आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दी है, उसमें जो ग्रीन चिली हमने बारीक कट के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको 8 से 10 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे आंच को ढक करके उसको पका लेंगे। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है, और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करते रहना है। और फिर बाद में चेक कर लेंगे कि मटर हमारी गल चुकी है, तो उसके बाद ही हम इसमें टमाटर और जो जिंजर गार्लिक का हमने पेस्ट बनाया था वो बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। तो मटर हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है, पेस्ट हमारा रेडी है टमाटर अदरक लहसुन का, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से घुमा लेंगे जितना हो सकता है, और उसके बाद हम बाकी के जो मसाले वगैरह हैं वो बाद में ऐड करेंगे। तो मटर हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी थी, उसके बाद ही हमने जो हमारा ये पेस्ट था उसको डाला है। और आप देख सकते हैं टमाटर कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। टमाटर बहुत अच्छी से पक चुका है, उसने किनारे में ऑयल छोड़ दिया है। अब हमारे जो इसमें रेगुलर मसाले हैं, मसाले इसमें सिर्फ 1 हल्दी मिर्च और धनिया बस, और कुछ नहीं है रेगुलर मसाले। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना मसाला खाते हैं उसके हिसाब से आप अपनी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया है, 1 कटोरी है क्रीम, जो कि यानी कि मलाई घर की है, और इसको अच्छे से फेंट लिया है हमने, फिर एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका हो गया है। और इसको हम बाद में पनीर में ऐड करेंगे, तो इसकी जो थिकनेस है वो इस टाइप की हो जाती है फेंटने के बाद। और ये है 300 ग्राम पनीर है, इसको हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं मसाले की तरफ। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसको हमने 8 से 10 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई की है। मसाला अच्छे से जितना भुनेगा उतनी आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो ग्रेवी में हमें थिकनेस जितनी चाहिए हम उसके हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें इतनी इसकी थिकनेस चाहिए तो हमारा पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको पकने देंगे, 1 से 2 बॉईल आने के बाद ही हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो इसमें बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर आप पहले ही मत पकाना, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से आपकी ग्रेवी पक जाए उसके बाद ही पनीर ऐड करना। ज़्यादा देर तक पनीर को पकाने से पनीर क्या होता है, थोड़ा सा रबड़ की तरह हो जाता है, अगर उसके एकदम रियल पनीर वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो ग्रेवी अगर आपके अच्छे से पक जाती है उसके बाद ही आप इसमें पनीर ऐड करना। अब आती है बारी क्रीम की। क्रीम हम इसमें ऐड कर दिया है हमने, और पनीर को जो क्रीम है इसको हम इसमें कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब डाल देगा इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा
बहुत ही एकदम होटल वाला ढाबे वाला जो फ्लेवर आता है ना ढाबे में, उसमें तो ये कसूरी मेथी जो एंड में डालते हैं ना उसकी खुशबू होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्रीम डालने से हमारी जो ग्रेवी थी उसमें थोड़ी वाइटनेस आ गई थी, और अब देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी एकदम ब्राइट कलर हो गया है ग्रेवी का, और जो सब्ज़ी थी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। इस पॉइंट पे आप या तो मैगी मसाला या फिर मटर पनीर का मसाला, चाहें तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं डालना है वरना फिर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी और कड़क हो जाएगी। तो हमें इसको स्पाइसी और कड़क नहीं बनानी, नॉर्मल बनानी है। तो इसमें हमने धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया था, और सब्ज़ी अब पूरी तरीके से पक चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, कितनी रिच एकदम बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इस सब्ज़ी का। आप एक बार ट्राई करना अपने घर पे बना करके, आपको खुद पे यकीन आ जाएगा कि हाँ वाकई सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो हमारी जो मटर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, हमने इसको प्लेटिंग भी कर ली है, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, खाना बेशक कितना भी टेस्टी हो अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से सजा के रख दें तो आपके जो खाने की क्वालिटी है थोड़ा और बढ़ जाती है, और आपके खाने में चार चांद लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती और लेमन की एक पीस से प्लेट को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं घर पे एकदम ढाबे स्टाइल में मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना, तो आप देख सकते हैं कि मटर पनीर की सब्ज़ी कितनी डिलीशियस लग रही है, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप भी ट्राई कीजिए, और बहुत ही इजी है बनाना, इसको बहुत ही कम टाइम में बन जाती है, इसको मैक्सिमम पौन घंटा भी नहीं लगा होगा बनके। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।